हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता 8 कन्यादान का सारांश करेंगे। ध्यान से सुनिए। कन्यादान कविता के कवि हैं ऋतुराज। कवि ऋतुराज ने इस कविता में माँ बेटे को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा व सीख दी है। कवि का मत है कि समाज व्यवस्था में स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान बना दिए जाते हैं, वे आदर्श स्त्री जीवन के बंधन ही होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छुपा हुआ होता है। लड़की जैसा दिखाई न देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है, इसलिए माँ के लिए बेटी उसकी अंतिम पूंजी होती है। प्रस्तुत कविता कोरी कल्पना पर आधारित नहीं है। इस कविता में भावुकता को आधार बनाया गया है व वास्तविकता को जताने का प्रयास किया गया है। यह कविता माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत कविता में कवि की स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने माँ का बेटी के प्रति लगाव प्रस्तुत किया है कि एक माँ अपने बेटे को कितना चाहती है, उसकी सुरक्षा का, उसके सुख का कितना ध्यान रखती है। माँ कभी भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी को भी वे दुख देखने पड़े जो उसने अपने जीवन में देखे थे। माँ अपने बेटे को ससुराल भेजने से पहले सीख देती है ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ये कविता का सार था। इसको आप दोबारा से ध्यान से सुनिए व समझिए। ओके, बाय।